तो स्टूडेंट्स, आज हमारा सर्व समीकरणों वाला चैप्टर होगा 2.5। इनका प्रयोग उसमें किया जाएगा। मुख्य रूप से चार सर्व समीकरणें वहाँ पर प्रयोग की जाएंगी। तो सबसे पहले समझ लीजिए, सर्व समीकरणें क्या हैं। एक प्रकार की समीकरण है, पर ऐसी समीकरण जहाँ पर वो चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य हैं। समीकरण जो होती हैं वो चर के कुछ विशिष्ट मानों के लिए ही सत्य होती हैं, लेकिन सर्व समीकरणें जो होती हैं वो चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य होती हैं। तो इसलिए इन्हें सर्व समीकरणें कहा जाता है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से चार सर्व समीकरणें हमने ली हैं जो 2.5 में यूज होगा जिनका। तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x इंटू वाई, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इंटू वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पर ज़्यादा प्रयोग किया जाएगा। तो ये इसका जो ये सर्व समीकरण होगी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए गुणा बी, जो सर्व समीकरण चौथे नंबर पे यहाँ पर लिखी हुई है, इसका प्रयोग ज़्यादा होने वाला है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन ले लेते हैं। 2.5 का पहला क्वेश्चन, एक्स प्लस फोर एक्स प्लस 10, हमारे पास क्वेश्चन है एक्स प्लस फोर एक्स प्लस 10। तो इसको आपको करना है सर्व समीकरण के प्रयोग से, सर्व समीकरण के प्रयोग से यह गुणनफल आपको प्राप्त करना है। गुणनफल तो आप सीधे मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, पर आपके सवाल में लिखा हुआ है कि आप इसको जो है सर्व समीकरण का प्रयोग करके करें। तो इसमें प्रयोग कौन सा सर्व समीकरण होगी आपको स्पष्ट रूप से पता चल रहा हुआ कि जो फोर्थ वाला यहाँ पर एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स गुणा ए धन बी ए गुणा बी, ये वाली सर्व समीकरण यहाँ पर प्रयोग होगी। तो यहाँ पर जो ए और बी है सर्व समीकरण से अगर हम तुलना करेंगे तो ए बराबर 4 होगा और बी बराबर होगा 10। तो इसको हम कर सकते हैं सारे बच्चों, तो इसको हम इस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, इसी को हम यहाँ पर देखें, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी जो होगा वो 4 धन 10 होगा गुणा एक्स धन ए गुणा बी 4 गुणा 10। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 धन 10 जो हो जाएगा 14x हो जाएगा, और ये हो जाएगा गुणा करना है 4 दशम 40। तो ये आपका आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर धन 14x धन 40। तो इतना आसान है ये सर्व समीकरण से, मल्टीप्लाई करने से भी हो सकता है, सर्व समीकरण के प्रयोग करने से ये और आसान हो जाता है। तो हमने इस सवाल को किया यहाँ पर, तो पहला क्वेश्चन है आपका इस प्रकार से, ये इसका आंसर आएगा। तो दूसरा क्वेश्चन हम ले लेते हैं एक और यहाँ पर, कहीं कहीं पर आपको माइनस वाले भी दिए जाएंगे ए और बी, तो आपको किस प्रकार से उसको रखना है सर्व समीकरण में ये सीखना पड़ेगा। तो दूसरा सवाल हम ले लेते हैं यहाँ पर, एक्स धन 8 और एक्स ऋण 10। तो इस सवाल को हम कैसे करेंगे सर्व समीकरण के प्रयोग से, सर्व समीकरण यही वाली प्रयोग होगी, स्पष्ट रूप से आपको पता चल रहा है, एक्स धन 8 एक्स ऋण 10, एक्स धन ए एक्स धन बी के रूप में है। इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं आप, एक्स धन 8 इसको लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं आप एक्स धन ब्रैकेट में ऋण 10, आप ऐसे लिख सकते हैं। तो ए आपका हो जाएगा 8 और बी हो जाएगा ऋण 10। तो यहाँ पर ये अंतर है, जो ए होगा वो तो 8 ही होगा प्लस में है, लेकिन बी यहाँ पर बदल जाएगा क्योंकि ये ऋण में है, लेकिन हमारे पास जो सर्व समीकरण है उसमें प्लस है, इसलिए हमने इसको इस तरीके से चेंज किया और बी को हमने -10 लिख लिया। अब हमारे पास ए और बी क्लियर क्लियर हो गए। अब हम इसको प्रयोग कर सकते हैं, एक्स धन ए हमारे पास है, एक्स धन ए एक्स धन बी बराबर एक्स स्क्वायर धन ए धन बी एक्स धन ए गुणा बी। हम यहाँ पर लिखेंगे कि सर्व समीकरण एक्स धन ए एक्स धन बी बराबर एक्स स्क्वायर धन ए धन बी एक्स धन ए गुणा बी का प्रयोग करने पर, तो हम इसका प्रयोग करेंगे, तो एक्स धन 8 एक्स धन ऋण 10 हमने इस प्रकार से इसको लिख दिया बराबर एक्स स्क्वायर धन ए की जगह होगा 8, धन बी की जगह होगा ऋण 10, धन ए की जगह 8 गुणा ऋण 10। तो ये हम ऐसे लिखेंगे, पहले लिख लेंगे इसको तरीके से और फिर हम इसको
कर लेंगे। तो ऋण 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 10 और धन 8, ये हो जाएगा ऋण 2, और ये हो जाएगा, ये प्लस में है एक माइनस में है, तो इसका जो आंसर होगा वो माइनस में ही आएगा। तो 8.80 यहाँ पर हम लिख देंगे, माइनस 80 होगा, और ये बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये जो यहाँ पीछे एक्स चल रहा है इसको आप भूलिएगा मत, पीछे से एक्स भी है इसमें ब्रैकेट के पीछे से, तो ये -2x हो गया -80, तो ये इसका आंसर होगा। तो हमारा आंसर आया यहाँ पर एक्स स्क्वायर -2x -80। तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं, तो इसको करने की कोशिश करेंगे, और कोई दिक्कत होगी तो फिर उसको हल करेंगे।